Twitter. Isha, ये करना जरूरी है कि अगर जरूरी नहीं होता तो मैं कभी अलाउ नहीं करती आंटी. छह महीने से जो ट्रीटमेंट चल रही है उसका विराट के दिमाग में जरा सा भी असर नहीं हो रहा. इम्प्रूवमेंट तो दूर की बात है, वो वायलेंट होता जा रहा. ऐसा क्यों कर रहा? क्या हो क्या रहा है ऐसे? वो ट्रॉमा में है आंटी. छह महीने पहले जो हादसा हुआ था उसका दिमाग आज भी वहीं अटका हुआ है, इसीलिए हमें एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ रहा है. डॉक्टर्स उसे कंट्रोल शॉक थेरेपी देंगे, इससे उन्हें उम्मीद है कि वो अपने दिमाग से पुरानी मेमोरीज को हटा कर भुला कर नॉर्मल हो जाएगा. प्लीज, प्लीज छोड़ दो, मुझे मेरी हीर को बचाने जाना. विराट, तुमने देखा माँ कितना ट्रस्ट करती है मुझ पर, कितना प्यार करती है. मैं क्यों उन्हें ऐसे धोखे में रख रही हूँ? विराट, अगर कल को माँ को मेरे सच के बारे में पता चला तो ये तो बहुत बड़ा धोखा होगा ना उनके साथ. वो इतना प्यार करती है और मैं उन्हें इतनी बड़ी तकलीफ नहीं दे पाऊंगी. मैंने तो उन्हें अंधेरे में रखा हुआ, क्या करूं विराट? मैं माँ को खुद जाकर अपना सच बता दूं? हाँ, यही ठीक होगा. मैं अभी जाकर माँ को अपना सारा सच बता देती हूँ. क्यों रोक लिया तुमने मुझे कुहो? हाँ, तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं माँ को सच बताऊं? लेकर आऊं? मैं अभी आई. बदनसीबी देख रही हो मेरी बच्ची की. इसके पैदा होते ही इसकी माँ इसे छोड़ के जा रही है. इसके पापा अक्षय की फैमिली तो
पहले उनका साथ छोड़ चुकी है। हीर तुम उससे वादा कर, तू इसे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। मैं तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए मैं इसे तेरे हवाले करके जा रही हूं। मैं वादा करती हूं, मेरा साया हमेशा इसके साथ रहेगा। मेरा अतीत तुम्हारी माँ से किए वादे के बीच कभी नहीं आएगा। आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगी जिससे मुझे तुमसे दूर जाना पड़े, कभी नहीं। विराट, क्यों मेरा मन बार बार तुम्हारी तरफ जा रहा है? मैं तो तुम्हारी दुनिया छोड़ा है, तुम्हारे करीब ईशा को भी देखा है, फिर क्यों इतनी घबराहट हो रही है? विराट, आई होप तुम ठीक हो। क्या हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है विराट किसी तकलीफ में है? क्या हो गया? तुम तो आइसक्रीम लेने गई थी ना, कहाँ पे है आइसक्रीम? तुम्हें कैसे पता चला मुझे कुछ हुआ? कमाल है, चोट मुझे लगी और
दर्द तुम्हें हो रहा है। फिराट सच्चा प्यार इसे ही तो कहते हैं। जहाँ तुम्हें तकलीफ होगी तो एहसास मुझे होगा, तुम्हें चोट लगेगी तो दर्द मुझे होगा। After all, विराट, हम दोनों हैं तो दो शरीर पर एक जान। नहीं विराट, आई होप एरीज घबराहट का तुमसे कोई लेना देना ना हो। मैं शायद ऐसे ही परेशान हो रही हूँ। नहीं विराट, तुम्हारे पास तो ईशा है विराट, जो तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी इतनी केयर करती है। मैं यूं ही बेवजह परेशान हो रही हूं। मुझे तो लगा था तू इससे चिढ़ती है, लेकिन तू तो यहाँ पे बैठ के उसकी फोटो ही निहार रही है, क्यों? अरे अच्छी वाली फोटो ढूंढ रही हूँ उसकी, जिसमें उसका चेहरा साफ साफ दिखे। अरे तो पिछले दो दिन में उससे ऐसी कौन सी मोहब्बत पड़ गई तेरी? ओफो, आपको ना कुछ समझ में नहीं आता, और माँ को भी ना उसने पट्टी पढ़ा रखी है, लेकिन मुझे ना बहुत जोर से फीलिंग आ रही है कि उसके पास में कुछ तो झोल है। तो अब आप ही मुझे बताओ, एक आम लड़की को किन्नरों वाला गाना कैसे आ सकता है? मतलब उस हीर को वो किन्नरों वाला गाना कैसे याद हुआ? हाँ, कोई स्कूल की पोयम थोड़ी है जो सीख ली और गा दी। किन्नरों का गाना था, मतलब कुछ तो वास्ता है उसका उन किन्नरों से। यार बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है ना? ये बात तो मेरे दिमाग में बहुत जोर के हिट की थी, पर उस पूरे मैटर का इसकी फोटो से क्या लेना देना है? अरे यार ट्यूबलाइट पल्ले पड़ गई है मेरी। अरे तो जला ना यार जल्दी। अरे हीर की फोटोज लेके किन्नरों की सारी बस्ती में जाएंगे, क्या पता कोई सुराग हाथ लग जाए और मिल जाए उसकी जान पहचान का कोई किन्नर। तू तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। पैदा ही इंटेलिजेंट हुई थी। ये वो मैं खिचड़ी की रेसिपी देख रही थी जो हमारी कुहू को इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अब अन्नप्राशन हो चुका है उसका, खिचड़ी तो खा ही सकती है। वैसे आप इस तरह मेरे सामने आकर तभी खड़े होते हैं जब आपको मुझसे कुछ कहना होता है और आप कुछ कह नहीं पाते। बोलिए, कुछ कहना है आपको? समझ जाती हूँ। वैसे पिछले 6 महीने में हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप तो डेवलप हो चुका है ना? तो फिर तुम अपने पास के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हो तो, अगर चाहती हो तो शेयर कर सकती हो।
लीजिए दूसरा कप कॉफी का, क्योंकि पहला कप तो आप कमरे में ही खत्म कर चुके होंगे, है ना? लीजिए। और हाँ डॉक्टर, मेरे पास्ट को ना पास्ट में रहने दीजिए। मैं तो रहने दूँ, लेकिन भैया भाभी कहाँ चाहते हैं कि तुम्हारा पास्ट पास्ट बना रहे। यस, वो जा रहे हैं किन्नरों की बस्ती में तुम्हारा एक फोटो लेके, तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। तो क्या हो गया? जाने दीजिए उन्हें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे बारे में पता लगाएंगे ना, कुछ मिलेगा ही नहीं उन्हें तो, उनके दिमाग से सारा वहम सारा शक दूर हो जाएगा। जाने दीजिए। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि विराट कभी ठीक नहीं होगा? नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ठीक करने की कोशिश उसे की जाती है जो ठीक होना चाहता है, उसे नहीं जिसने ना ठीक होने की जिद ठान रखी। इसे कंट्रोल में रखने के लिए नीम के इंजेक्शन देने पड़ते हैं आंटी, उसे हीर ही चाहिए और हीर तो मर चुकी है ना। हीर। मरे हुए इंसान को वापस कैसे ला सकते हैं? तू ही मेरा खुदा। आंटी आप जानती हैं कि मैं विराट को कितना चाहती हूँ, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे अगर मुझे हीर कहीं भी मिले ना, तो मैं अभी उसके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उसे वापस विराट की जिंदगी मिले हूँ। हीर ही उसका इलाज है आंटी, पर क्योंकि हीर वापस नहीं आ सकती, इसलिए हमें माता रानी पे भरोसा करना पड़ेगा। चलो चलो। वो जा रहे हैं किन्नरों की बस्ती में तुम्हारा एक फोटो लेके, तुम्हारे पास के बारे में जानने के लिए। अगर भैया भाभी को सच पता लगा तो वो माँ को बता देंगे। अरे ये क्या किया? बहू एक बात बोलूं, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। बहू अगर घर में सबको मेरा सच पता चल गया तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। और मैं अपनी कोहू को तो कहीं नहीं जाऊंगी ना छोड़ के। क्या करूं मैं? अरे कोहू, क्या आइडिया दिया तुमने मुझे, मतलब कमाल का आइडिया। For
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.